अस्सलाम वालेकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं जुनेद हलीम। वक्त है हेडलाइंस का। आवाम के लिए खुशखबरी, ईद के तीनों दिन सीएनजी मिलेगी। वजारत पेट्रोलियम को सीएनजी लोड शेडिंग ना करने का फैसला। एलपीजी की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 62 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 240 रुपये महंगा हो गया। कराची स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स कमी के साथ 22,400 की सतह पर आ गया। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि सैलाब ने कई इलाके बर्बाद कर दिए, विफाकी हुकूमत सो रही है, बल्दियाती निजाम के कानून में तरमीम हुई तो साथ देंगे। जिमनी इंतखाबात के लिए पाबंदी के बावजूद सिंध में तकर्रियां और तबादले, इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी सिंध से वजाहत तलब। चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब के 35वें गवर्नर की हैसियत से हल्फ उठा लिया, कहते हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी लाएंगे। हैदराबाद में बिजली का तार टूटकर बारिश के पानी में गिर गया, करंट लगने से 4 बच्चे जांबहक, इलाके में कोहराम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी निकालने का काम जारी, बाज इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। करंगी क्रॉसिंग सड़क टूटने से ट्रैफिक जाम। पेशावर में सैलाबी रैली से 80 घर तबाह, सैकड़ों मकीन बेघर। राजनपुर में भी तबाही, वजीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ रुपये इमदाद का ऐलान। बलोचिस्तान के इलाके मश में बिजली के 4 टावर धमाके से तबाह, मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुतासर। कराची में सियासतदानों और सनतकारों के घरों पर तैनात पुलिस गार्ड्स वापस ले लिए गए। और शंघाई में रोलर स्केटिंग के आलमी मुकाबले, खिलाड़ियों ने शानदार करतब दिखाकर शायकीन के दिल मोह लिए।